जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है चैप्टर 17 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये बुक एमएल अग्रवाल से मैंने लिया है। क्वेश्चन ए का बी पार्ट है। तो क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फिगर 2 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 साइन ए, नंबर 2 कॉस ए, नंबर 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नंबर 3 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये चारों वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो इसमें ये जो फिगर है ये क्वेश्चन में ही हमें गिवन है। तो मैं सबसे पहले आपको ये फिगर समझा देती हूँ। इसमें हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, जो कि एक राइट एंगल है। तो इसमें हमें दो साइड्स गिवन है, हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं कैसे कैसे हमें साइड फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, राइट एंगल। तो हमें इसे जो 90 डिग्री राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस, और ये ए जो है ये एंगल दे रखा है इसको थीटा मान के हम चलें। तो थीटा के सामने की जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, और ये हमारा बेस। तो इसमें हमें बेस और हाइट गिवन है, हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कोई भी साइड निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो किसी भी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होता है वो बेस और हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेस है हमारा ए सी का स्क्वायर और हाइट है हमारा बी सी का स्क्वायर। तो ए बी तो हमें पता है ही नहीं, ए सी हमारा 12, बी सी है 5। तो ए बी हमें फाइंड करना है, 12 का होता है स्क्वायर 144, 5 का 25। ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 459, 426 और 1। और हमें पता है रूट 169 13 का स्क्वायर होता है। तो इस टाइप से जो हमारा ये ए बी आया है ये कितना आया, 13। तो अब हमें बेस भी पता है, हाइट भी पता है और हाइपोटेनियस भी पता है। तो हम कोई भी रेशो निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अब हम नंबर 1 साइन ए फाइंड करते हैं। तो हमें पता है साइन ए इज इक्वल टू होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला है। तो साइन ए इज इक्वल टू हाइट है हमारी यहाँ पे 5, हाइपोटेनियस है 13, तो 5/13। या ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो हमारी हाइट क्या है बी सी और हाइपोटेनियस है ए बी, ये तो मानेंगे। तो बी सी इजिकल टू 5 और ए बी इजिकल टू 13 जो हमें डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए बी 13 बी सी 5। तो साइन ए इजिकल टू क्या फाइंड हुआ, 5/13। अब हम फाइंड करेंगे कॉस ए। नंबर 2 पे है हमारा कॉस ए। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ए। तो कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाई पोटेनियस। कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा, आप डायग्राम में देख रहे हो बेस क्या है हमारा ए सी और हाइपोटेनियस है ए
बी, तो कॉस इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है 12 और हाइपोटेनियस है 13, तो कॉस ए की भी वैल्यू हमें पता चल गई। 13 से हमने क्या किया, 13 से 13 कैंसिल कर दिया, तो ये 10 ए इज इक्वल टू जो हमारा आया वो आया 5/12। तो देयरफॉर 10 ए इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं 5/12। अब जैसे कि हमें फाइंड करना है यहाँ पे sec स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हमारी sec ए की वैल्यू आ गई 13/12 और यहाँ से हमने 10 ए की वैल्यू फाइंड की जो आई हमारी 10 ए की वैल्यू 5/12। तो अब हम सीधे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा, sec ए की वैल्यू है 13/12, इसका हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे है स्क्वायर, और 10 ए की वैल्यू है 5/12 और इसमें भी हम स्क्वायर लगा देंगे, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144। अब ये हो जाएगा हमारा 144, तो एलसीएम ले लिया 169 माइनस 25, तो 144 और ये आ जाएगा 9 में से 5 माइनस किया 4, 6 में से 2 माइनस किया 4 और ये 1, तो 1 टाइम देयर फोर sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और ये एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से हमने क्या किया, हमें फाइंड करना था साइन ए कॉस ए sec सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो सबसे पहले जो हमने फाइंड की साइन ए की वैल्यू 5/13, कॉस ए की वैल्यू 12/13, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू 1। तो आज के लिए इतना ही।